हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो, जो होने वाला है विंटर एडिशन। सो सुबह उठकर अभी ऑलमोस्ट हर एक दिन मैं नारियल पानी पीती हूँ। हफ्ते के 5 दिन तो कंपलसरी होते ही हैं नारियल पानी। और यहाँ इस प्लेट में मैंने ले लिए हैं थोड़े खजूर, सोक्ड किए हुए ड्राई फ्रूट्स, नारियल पानी और एक बनाना। अपना वर्कआउट करने से पहले मैं ये सब खाती हूँ। नारियल पानी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रोलाइट्स का। ये आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज रखता है और स्किन क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। और नट्स तो आपको डेफिनेटली इस विंटर सीजन में खाने ही चाहिए। ये आपको अंदर से वार्म रखेंगे और इसमें होते हैं हेल्दी फैट्स, जो आपके स्किन और हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अपना प्री ब्रेकफास्ट करके मैं बाहर धूप के नीचे बैठकर भगवत गीता पढ़ती हूँ। ज़्यादा नहीं, बस 15-20 मिनट्स के लिए ही पढ़ती हूँ। जिस दिन मेरा जो बुक पढ़ने का मन करता है वो मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ लेती हूँ। इससे मेरे दो काम हो जाते हैं, एक तो धूप के नीचे बैठकर मुझे विटामिन डी मिल जाता है और दूसरी ओर बुक रीडिंग भी हो जाती है। इसके बाद मैं करती हूँ अपना वर्कआउट। सबसे पहले मैं थोड़ा वार्म अप वगैरह करती हूँ, जिससे बॉडी थोड़ी गर्म हो जाए। उसके बाद मैं सूर्य नमस्कार और बेसिक सारे योगा एंड आसनास ही करती हूँ हाफ एन आवर के लिए। आफ्टर दैट थोड़ी देर रेस्ट करके मैं चली जाती हूँ शावर लेने। शावर लेकर मैं आ गई किचन अपना ब्रेकफास्ट बनाने। सो अपना ब्रेकफास्ट डेली मैं खुद ही प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि मम्मी रोटी या पराठा यही सब बनाती हैं मेरी बहन के टिफ़िन के लिए। एंड सुबह सुबह मुझे वो सब खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, कभी कभी चलता है, बट डेली नहीं। तो इसलिए आज मैं यहाँ अपने लिए बना रही हूँ ओट्स और सूजी का चीला, सारे वेजिटेबल्स वगैरह डाल के। ये वाला चीला वन ऑफ माई फेवरेट चीला है। आई तो टोटली लव ईटिंग इट। साथ ही काफ़ी हेल्दी भी होता है। इसको मैंने सर्व किया आमला और धनिया की चटनी के साथ। इसे भी मैंने खुद ही बनाया है। बहुत ही इजी है बनाना। आपको बस 6 से 7 आमला, एक हरी मिर्च, धनिया के पत्ते, अदरक, नमक और थोड़ा गुड़ डाल के सबको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। एंड बस बन जाएगा आपका टेस्टी और हेल्दी वाला आमला चटनी। ये आमला वाला चटनी मुझे बहुत बहुत ज्यादा ही पसंद है। आप भी इसको जरूर ट्राई करना। तो आज मैंने अपने बाल भी धोए थे, तो मैं फिर से बाहर चली गई धूप के नीचे बैठकर खाने। मोस्टली तो मैं छत पे जाके ही खाती हूँ, बट अब से नहीं जा पाऊंगी क्योंकि ऊपर हमारा घर बन रहा है, तो वही सब काम वगैरह चल रहे हैं। गाइस, शॉर्ट हेयर रखने का बेनिफिट तो है, मेरे बाल इतनी जल्दी सूख गए। लाइक सिर्फ 15-20 मिनट्स में सारे बाल सूख गए, बट जब लंबे बाल थे तो कम से कम 1 से 2 घंटा तो लग ही जाता था बाल सुखाने में। एनीवेज, ब्रेकफास्ट खत्म करके मैं चली गई अपना शूट करने। मुझे ये मीशो वाला हॉल वीडियो शूट करना था, तो वो किया। शूट के बीच में ही मैंने ये ऑरेंज खा लिया। उसके बाद शूट कंप्लीट करके मैं चली गई किचन सैलेड काटने। तो अपना लंच करने से पहले मैं एक प्लेट पूरा सैलेड से भरा हुआ खाती हूँ, उसके बाद ही अपना लंच करती हूँ। तो आज के सैलेड में मेरे पास है क्यूकम्बर, कैरेट, बीटरूट, इसके ऊपर मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया और थोड़े धनिया पत्ते वगैरह भी डाल दिए। इसमें मैं नमक या चाट मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती। मुझे अपना सैलेड एकदम सिंपल खाना ही पसंद है। आप सब ये कोशिश कीजिए कि डेली 2 अलग-अलग फ्रूट और सैलेड में 3-4 रॉ वेजिटेबल ज़रूर खाएं, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल एंड डाइट इतना बिगड़ गया है कि हमारे बॉडी को सही अमाउंट में विटामिन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप रॉ चीज़ें भी खाएं अपने डाइट में। इससे आपको सारे विटामिन, फाइबर सब कुछ मिलेगा, आपका हेल्दी बॉडी वेट भी मेंटेन रहेगा और डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़ के रिस्क भी रिड्यूस हो जाएंगे। आज लंच में मम्मी ने बनाया है खिचड़ी और मैं यहाँ बना रही हूँ टमेटो की चटनी। खिचड़ी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है ये मुझे खाना। और ये वाली रेसिपी मैंने रिसेंटली रील्स या शॉर्ट्स कहीं पर तो देखी थी, बहुत ही इजी तरीके से बनाया था उन्होंने, तो उसी को फॉलो करके मैं आज ये चटनी बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने टमेटोज को हाफ में कट कर दिया। उसके बाद एक पैन में ऑयल डाला, गार्लिक डाले और सारे टमेटोज को डाल दिया।
ऊपर से नमक डाला और पैन को ढक दिया 10 मिनट के लिए। साइड में मैंने यहाँ ऑनियन, हरी मिर्च और धनिया पत्ते को भी कट करके रख दिया। तो 10 मिनट बाद टमेटोज यहाँ पक चुके थे, तो मैंने सारे टमेटोज के स्किन को निकाल कर उन्हें अच्छे से मैश कर दिया। अब गैस ऑन करके मैंने इन पे डाला कटे हुए प्याज, मिर्च और धनिया के पत्ते, थोड़ा नमक, चाट मसाला और जीरा पाउडर डाल के सबको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक पकाया और ये रेडी हो गया हमारा टमेटो चटनी। सो दिस इज अवर टूडेज लंच, वेजिटेबल खिचड़ी, आलू भजा विच इज पोटेटो फ्राई, पापड़ और टमाटर की चटनी। लंच मेरा हमेशा 1 से 2 बजे के अंदर हो जाता है और मुझे ना लंच में यही खिचड़ी या रोटी वगैरह खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। राइस भी अच्छा लगता है बट डेली मैं नहीं खा सकती राइस, स्पेशली विंटर सीजन में। अपना लंच कंप्लीट करके मैंने खाया एक नारियल का लड्डू। तो घर पे पूजा वगैरह के लिए नारियल आते रहते हैं तो मम्मी उनका लड्डू बनाकर रख देती हैं। अभी मकर संक्रांति में तिल के लड्डू भी बने हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है खाना। तो लड्डू खाकर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं छत पे गई थी घर का काम वगैरह देखने कितना क्या हो रहा है, और यहाँ मम्मी मजे से धूप के नीचे खड़े होकर मौसी के साथ बात कर रही थी। वैसे दुनिया इधर की उधर हो जाए बट हर दिन मौसी और मम्मी का 1 से 2 घंटे बात करना तो कंपलसरी होता ही है। गाइज अगर आप सबके घर में भी ऐसा ही होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एनीवेज शाम को मैं स्नेहा और दिया, जो मेरे घर के पास ही रहती है, उन दोनों के साथ विशाल गई थी और वहां मुझे ये टॉप पसंद आ गया तो मैं लेकर आ गई। घर आके मैंने अपने लिए एकदम बढ़िया सी अदरक इलायची वाली चाय बनाई। तो ये चाय हमारा बन गया है, इसमें मैं चीनी नहीं डालती, गुड़ का पाउडर मिक्स करके पीती हूँ। साथ ही यहाँ मैंने गुड्डे बिस्किट्स और ये पॉपकॉर्न थोड़े ले लिए, ये मैंने विशाल से घर आते वक्त खरीदे, एक भैया बनाकर बेच रहे थे एकदम गर्मा गर्म, 10 रुपए पर पैकेट, तो मैं 3-4 पॉपकॉर्न ले आई। शाम के टाइम बहुत ही लाइट खाती हूँ मैं, बस चाय बिस्किट, क्योंकि डिनर जल्दी कर लेती हूँ। अगर शाम को ही हैवी खा लूँगी तो डिनर तो कर ही नहीं पाऊँगी, इसलिए लाइट ही रखती हूँ मैं अपना इवनिंग स्नैक। बाद यहाँ मैं स्नेहा को थोड़ा हेल्प कर रही हूँ उसके स्कूल के प्रोजेक्ट वर्क में, एंड ये सब करने के बाद मैं चली गई किचन डिनर प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि आज हमारे घर में बनेगा पालक पनीर। सो मम्मी ने यहाँ पालक को अच्छे से वॉश करके कट कर दिया है, अब इसे पूरा बनाऊंगी मैं। सबसे पहले मैंने सारे पालक को कुकर के अंदर डाला, पानी डाला और इसे ढक के पकाया। आपको कुकर की सीटी नहीं लगानी है, ओनली पालक को 10 मिनट तक बॉईल कर लेना है। साथ ही मैंने पनीर को भी कट कर दिए छोटे छोटे पीसेस में। 10 मिनट बाद हमारे पालक पक चुके थे तो मैंने इसे ट्रांसफर कर दिया ठंडे पानी में एंड इसका बढ़िया सा पेस्ट बना दिया। यहाँ एक पैन में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और सारे पनीर को शैलो फ्राई कर लिया। अब बस हम प्याज वगैरह फ्राई करके पालक का पेस्ट डाल के मसाला रेडी करेंगे और फिर पनीर ऐड करके बनाएंगे अपना पालक पनीर। फाइनली पालक पनीर हो गया है रेडी। मम्मी ने यहाँ गर्मा गर्म पराठे भी बना दिए, तो अब मैं आराम से इंजॉय करके खाऊंगी अपना डिनर, क्योंकि पालक पनीर मुझे अच्छा लगता है खाना। और गाइज अभी विंटर के टाइम घर पे डिनर में कभी मूली पराठा, कभी मेथी पराठा, गोभी की सब्जी, रोटी, यही सब बनती रहती है, क्योंकि अभी यही सब चीज़ें सीजन में हैं एंड हमें ऑलवेज सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खाने चाहिए जो नेचुरली होते हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी फ्रेश होते हैं एंड टेस्टी भी होते हैं, इन्हें उगाने के लिए कोई केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता एंड आपके बॉडी के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसलिए आपको भी अपना डाइट हर सीजन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए।
अब रात को सोने से पहले मैं कभी ग्रीन टी पीती हूँ, कभी हल्दी वाला दूध पी लेती हूँ या कभी ये सौंफ वाला टी, जिस दिन जो मूड करता है। तो आज मैंने बनाया ये सौंफ वाला टी। बस एक चम्मच सौंफ को एक ग्लास पानी में डाल के आपको बॉयल कर लेना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसमें थोड़ा हनी डाल के भी पी सकते हो, बट मैं इसे ऐसे ही पीना पसंद करती हूँ। ये लेने से आपका डाइजेशन काफी अच्छे से होगा, जिससे आपको नींद भी काफी बढ़िया आएगी। तो बस यहाँ मैं अपना टी पीते पीते थोड़ा एडिटिंग कर रही हूँ, इसे खत्म करके मैं सोने चली जाऊंगी। सो आप भी जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।